कोई कंसिडर होगी। आप सुनो खाली हमसे, चामन गर्मी सर लेखन बड़ी हो, ठीक है? इसका जवाब आप लिखो। मैम एक लफ्ज में, एक लाइन में, एक लफ्ज में लिखना है, खाली शॉर्ट में लिखना है, चामन गर्मी, ये मी मजा से खाली वही आंसर आपको लिखना है, ठीक है? पूरा नहीं लिखना है सारा, खाली एक लफ्ज का आंसर है ये। बस माइक्स वन मैम लिखा। ओके, जिसने जो लिखेगा ना वो चुप करके बैठेगा, बाकी वो लिखने दे। चावल सर किसी माइक अनम्यूट में है, इनको मैं बाहर करूंगी। आई एम नॉट ऑल नंबर 24, अपनी माइक बंद कीजिए आप, वरना मैं क्लास से बाहर करूंगी आपको। आई एम नॉट ऑल नंबर 24, जिसकी माइक अनम्यूट में होगी ना वो सर कश्मीरी पेपर में फेल होगा। माइक बंद कीजिए, सरहाना भी माइक बंद कीजिए। मैम दूसरा दिखाइए। होता है ना पूरे क्लास को फिर। हो हुआ क्वेश्चन नंबर वन? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, लिखो। यस मैम। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है? यस। क्वेश्चन नंबर टू है इसका, ये ट्रायंगल क्वेश्चन, सवाल नंबर क्यू ड्रीम क्वेश्चन। मैम क्या है बोलो। मैम मुझे फोन को 1% चार्ज है। मैम मुझे फोन को 1% चार्ज है। मैम दूसरा क्वेश्चन दिखाता है, एग्जाम है। मैम दूसरा क्वेश्चन दिखाइए। चलिए नाउ लिसन टू मी, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, बस माइक्स बंद कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? सड़की कामे अंदर गच्छ पाकुन, सड़की कामे अंदर गच्छ पाकुन, सड़की कामे अंदर गच्छ पाकुन, लिखो एक लफ्ज में खाली जवाब लिखना आपको। मैम तीसरा पढ़िए। ओके लिखने तो अभी दूसरा वेट कीजिए। हुआ दूसरा क्वेश्चन, खाली आपको शॉर्ट में लिखना है, एक लफ्ज में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। ओके फिर से मैं रिपीट करूंगी, पहला वाला क्वेश्चन जो है चामन कई मी, दैम क्वेश्चन जो सड़की कामे अंद गच्छ पाकुन, ठीक छा? वन जो आई एम त्रेम लाबन रिक दिन छा जान आदत, लाबन रिक दिन छा जान आदत। मैम हमें दूसरा, हम दूसरा ही क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो लिखो मैम। यस और नो लिखना है मैम। एक ही लफ्ज में बोलना है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं, आपको खुद देखना है वो। मैम मैम दूसरा क्वेश्चन क्या है? साठ की कामे अंद गच्छ पाकुन। मैम सिर्फ इतना ही लिखना है, जहाँ मैम सिर्फ इतना ही लिखना है, जहाँ मैम तीसरा क्या है बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैम तीसरा, मैम तीसरा क्वेश्चन बोलिए। मैम पेपर व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। वेट मैं आपको पेपर सेंड करूंगी, वेट देखो। चलिए मैंने आपको पेपर सेंड भी किया, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है? मैम ये ग्रुप में सेंड कीजिए पेपर। ओके मैंने किया, देखो गर्ल्स के। चलिए आपको मैंने सेंड किया पेपर भी। रिक दिन छह जॉन, उसको हमें यस और नो देना है आंसर।
मैम जो है ना वो रिक दिन छ जान उसमें हमें यस और नो में देना है आंसर। हाँ हाँ अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो देन आपको नो लिखना है, जो है इसमें तो वही लिखना है, खाली एक लफ्ज में है ना। यस मैम। ओके मैम पेपर शेयर कीजिए स्क्रीन पे। मैम तीसरा पढ़िए। सुनो आप मेरी बात, बस लिसन टू मी, सुनो आप मेरी बात, आपको मैं अच्छे से पढ़ूंगी ना पेपर, आप चुप करके बैठो, सुनो आप। देखो देखो मैं फिर से रिपीट करूंगी, पहला वाला क्वेश्चन जो है सामन, आप देखो जिसने लिखा वो चेक करेगा, जिसने नहीं लिखा वो लिखेगा, ठीक है। ये ल्यूक मुछना सुकैर चेक में ल्यूका ये ठीक, जिसने नहीं लिखा होगा तो वो सुनेगा क्वेश्चन क्या है। देखो पहला वाला क्वेश्चन है चामन कम नीर, ठीक है। दिन क्वेश्चन पत सड़की कम अंद ग पकुन हुआ, दूसरा क्वेश्चन पचु त्रम क्वेश्चन लबन रिख दिन जान आदत, अगर है तो एक लफ्ज में खाली जवाब देना है, ठीक है। पचु चूरम क्वेश्चन अमुक छिटे पोंपुर कपर पोक, ठीक है, गई चोर क्वेश्चन छिटे पोंपुर कपर पोक। पचु लास्ट क्वेश्चन अमुक शुर क्या छिटे पोंपरस मंगान, शुर क्या छिटे पोंपरस मंगान। बस ये हुआ पहला क्वेश्चन, इसमें खाली पांच पार्ट है, ठीक है। हुआ कंप्लीट ये क्वेश्चन नंबर वन? नो मैम। चलो लिखो जल्दी से, एक ही लफ्ज में लिखना है, करो जल्दी से, इसमें आपको सारा नहीं लिखना है, खाली जो एक समझ ले। हाँ जी मैम, जो है ना थर्ड वाला पार्ट, उसमें क्या कश्मीरी में यस और नो लिखना है? वरना के जो कश्मीरी पेपर है सारा आपको कश्मीरी में लिखना है। मैम पहले क्वेश्चन का तीसरा, सुनो मेरी बात, जो ये अभी सरहंड हो रहा था, कोई भी बच्चा, ये कश्मीरी पेपर है तो आपने लिखा है ना ये कश्मीरी में, मैंने आपको दिखाया है ना कश्मीरी में, और चुने को सोरे आंसर इथे पर, ठीक है। इसलिए कि उर्दू या क्या इंग्लिश वो गलत है, वो कटेगा इसमें, वो उसमें क्रॉस आएगा, ठीक है। इसलिए कश्मीरी पेपर है तो कश्मीर पर चुले, क्योंकि आप लोगों ने ये सारा पढ़ा है, ये किया है सारा। ओके हुआ क्वेश्चन नंबर वन आप कंप्लीट? आपने कहा यस मैम। देखो अब है क्वेश्चन नंबर टू, दोन देखो सवाल नंबर दो क्या है, दोन रिश्तन ही नाम लिखो, खाली से लेकर दोन रिश्तन ही नाम, जो भी आप लोगों की मर्जी है, यम लिखो तो तुम, लेकिन खाली दो ही लिखना है, ठीक है। रिश्तन ही नाम ये हमने पढ़ा है ना, खाली दो रिश्तों के नाम लिखने हैं, ज जो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सवाल नंबर ज, दोन रिश्तन ही नाम लिखो, करो ये कंप्लीट। इसमें भी आप लिखोगे खाली सवाल नंबर दो और लिखो आ फिर ज, लेकिन सवाल नंबर लिखना ऐसे, सवाल नंबर दो, ठीक है। सियाम आप क्या कर रहे हो वहां से, आप लोग, आपको कोई बोलता है वहां से? नो मैम, नो मैम, मैं पेपर लिख रहा हूँ। ओके ओके हुआ क्वेश्चन नंबर, मैंने भी लिखा लिखा। आप क्या देख रहे हो, आप नहीं काम करते हो, एग्जाम दे रहे हो? मैंने लिखा यस मैम। ओके ओके वेरी गुड, हो गया चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर वन का चौथा क्या है? छिटी पोंपुर का पर्पो, मैंने किया रोल नंबर 29 हमारे लिए। वेरी गुड ओके, मैंने भी किया रोल नंबर 22। मैं दूसरे क्वेश्चन ले सकती मैं, मैंने किया मुझे सेंड करना है रोल नंबर 18। देखो आप थर्ड क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर
जिसने किया वो चुप करके बैठेगा वरना मैं सबको फिर फेल करूंगी कश्मीरी क्लास में। मैम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। शूर क्या छोटे पोमरस मांगा? शूर क्या छोटे? बस चुप। ये एंड्रॉइड कौन है जरा? ये एंड्रॉइड कौन है? मैम मैम दूसरे मैम क्वेश्चन नंबर मैम क्वेश्चन नंबर 4 बोल मैम क्वेश्चन नंबर 4 बोले नाम लिखिए अपना। मैम क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। क्या हो गया आपको? फोर्थ थर्ड क्लास। मैम तीसरा सवाल पढ़िए। सुनो मैम चौथा सवाल पढ़िए। चौथा सुनो चुप करके। मैम चौथा सवाल पढ़िए। अगर अब आपने फिर से बात की ना खुशबू जरा आपको मैं क्लास से बाहर करूंगी। Listen to me, मैं फिर से पहले से पढ़ूंगी। सवाल नंबर 1 जो है, किस लफ्ज समझ लिखूं जवाब? सामन गई मील चेक करो, जिसने किया वो चेक करेगा। मैम क्वेश्चन नंबर 4 सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। साइड की कामी अंदर गच्छ पाकुन लापन रख दिन छा जान आदत छिटे पोंपुर का पर पोक शूर क्या छिटे पोंपरस मांगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। वन शू सवाल नंबर 2 दोन रिश्तन ही नाम लिखियो। खाली छु लेखन दोन रिश्तन हो नाम ठीक छा। पाच शू सवाल नंबर 3 खाली जाय भरियो। इसका जो पहला है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दोस्तन सूत सूत डैश सूत तरुत सलू करान या छु डैश समझ क्या है? बस खाली आपको वही लिखना है ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दोस्तन सूत सूत डैश सूत तरुत सलू करान अत वो छोटी अत मस क्या ही डैश समझ वही लिखना है ठीक है। पाच अमुक दैम पार्ट दैम दैम ठीक है। आह गई चॉकलेट तो बेरूद डैश आह गई चॉकलेट तो बेरूद डैश ठीक है। आह मजबूत छोटे डैश समझ क्या ही? आह गई चॉकलेट तो बेरूद डैश ये वो छोटे पाने क्या ही ठीक है। पाचो अमुक त्रयम असलम छूलानी मस रूजित पाने डैश प्यारा ठीक है। असलम छूलानी मस रूजित पाने डैश प्यारा नहीं अभी नहीं सेंड करना है बस। जिसने किया कंप्लीट वो चुप करके बैठेगा। डिस्टर्ब करो बाकी बच्चों को बस। जिन्होंने किया वो अच्छे से चेक करेंगे एक बार पेपर को। नेम लिखा है रोल नंबर लिखा है सेक्शन लिखा है ठीक है। और क्वेश्चन पेपर अच्छे से फिर से आप आंसर्स पढ़ोगे फिर मैं बोलूंगी सेंड करने के लिए तभी फिर आपको सेंड करना है। बस जिन्होंने किया वो चुप करके बैठेंगे। और हाँ जिनका वीडियो बंद है ना उनको 5 मार्क्स का। पढ़िए क्या पढ़ना है दोबारा? मैम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दूसरा क्वेश्चन है ना दोन रिश्तन ही नाम लिखियो। दोन रिश्तन ही नाम चलिए कर खाली ज। ओके मैम कोई भी दो हाँ जी बोलो। मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़िए। शूर क्या छोटे पोंपरस मांगा? बस ये कौन पढ़ता है ऐसे? खाली आपको एक लफ्ज में लिखना है। पशु सोरे लेकुन क्या खाली एक लफ्ज क्या छोटे मांगा बस उतना ही लिखना है ठीक है।
कीजिए जल्दी से आप। मैं मैंने लिखा। ओके, जिसने किया वो एक बारी फिर से चेक करेगा। कुंजल मास्टर का मिस्टेक ठीक है। मैंने चेक किया। कोई मिस कोई क्वेश्चन मत रह गया है ठीक है। ओके अगर चेक किया तो चामिन केम नी चामिन नी गई क्या बस ये कौन पढ़ता है जरा माइक बंद कीजिए। मैम चौथा सवाल बोलिए। बस तीन ही क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन में पांच पार्ट्स थे। नहीं बस अभी नहीं जाना है वॉशरूम। मैम सवाल दो पढ़िए। अरिबा जान आपका हिजाब कहाँ है? अरिबा जान रोल नंबर 14 आपका हिजाब कहाँ है? मैम मैंने लगाया। मैम हाँ जी सवाल दो का दूसरे के दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन बोलिए। मैम तीसरा क्वेश्चन बोलिए। मैम मैंने किया। मैम दूसरा दिखाइए। मैम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा दिखाइए। इसका क्या दूसरा? इसमें नहीं दूसरा, इसमें खाली लिखना आपको दोन रिश्ता नहीं ना हो बस। मैम क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए। खाली जाए भरियो। मैम मैं दूसरे पेज पे लिख सकती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का? मुझे नहीं पता। मैम एक और कर लें। मैम हाँ जी बोलो। मैम जो हमें है ना ये क्वेश्चन बी पार्ट फिर से रिपीट करो क्या बोल रहे हो? मैम जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना सवाल नंबर 3 हाँ उसका जो बी पार्ट है ना हाँ उसमें मुझे दो ऑप्शन आ रहे हैं मैं उनमें से कोई भी लिख सकता हूँ। दो ऑप्शंस कैसे आए अगर दो है तो लिखो। अब चॉकलेट बेरून मैम मुझे इसमें दो तो मैं बोल सकता हूँ लिखो दोनों लेकिन जो हमने किया है तो वही लिखना है ठीक है जो आपने पढ़ा है। पार्ट दिखाइए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट दिखाइए। नदीम हुसैन क्या हो गया आपको? मैंने बोला ना मैम मैंने किया पेपर एक तो मैंने सेंड किया और इतनी बार मैंने पेपर पढ़ा मैंने किया पेपर मैंने भी किया मैंने किया पेपर आपने ये सारा नहीं पढ़ा आप लोग क्लास नहीं अटेंड करते हो? जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं उन्होंने किया होगा। किया साहब ने 3 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मैंने किया पेपर में अंदर आज आप लोगों के पास खाली 10 मिनट्स है पेपर सेंड करने का फिर उसके बाद सेटिंग चेंज होगी तो फिर आपको पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। 10 मिनट्स में आप कीजिए जल्द से पेपर सेंड। मैम क्वेश्चन 3 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैम 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 क्वेश्चन 3 क्या है? मैम सवाल नंबर मुझे नहीं जानने दीजिए। कीजिए सेंड जिन्होंने पेपर किया। मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? खोली जाए बड़ी
का बोलिए तीसरा पार्ट, उसमें आप खाली लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री में खाली डैशेस में लिखो, बस बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। पहला वाला है उसमें सुनो, लिसन टू मी, फर्स्ट वन उसमें है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस दोस्तन सूट सूट डैश सूट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस दोस्तन सूट सूट डैश सूट रुत सलूक करान, जो डैश में आएगा बस खाली उतना ही। दूसरा है इसका आ गई छक लत बिल्कुल डैश, जो डैश में आएगा खाली उतना ही लिखो। असलम चुलन मज रोज पानी डैश प्यारा, जो डैश में आएगा मैं लिखा सकी किया, हां मैं लिखा सकी हूं, मैंने भेजा ग्रुप में पेपर, मैं लिख कर सकती हूं, मैंने भेजा ग्रुप में पेपर, हां जिसने पेपर सेंड किया तो हो जा सकता है। बस अभी बस बाकी करो जल्दी से, खाली 5 मिनट्स है। पेपर सेंड, हाँ जिसने कंप्लीट किया वो पेपर सेंड करेगा। मैं लीव करूँ, मैंने लीव किया, मैं लीव करूँ, मैंने पेपर सेंड किया ग्रुप में, जिसने पेपर सेंड किया वो जा सकता है। बस अब क्लास को मैं डिस्टर्ब करूँगी। मैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 3। अल्लाह हाफिज, मैम अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए, खाली जाए। मैंने जो इतनी बार पढ़ा सियाम, क्या बात है आपको? अल्लाह हाफिज मैम, असलम वाला पार्ट, असलम वाला बी, मैं करूं सेंड, मैंने किया पेपर। असलम बस चुप, असलम चुप, मैं मत करूं लीक पानी, आप सामने मैं कश्मीरी में फेल करूं। अब लोग मुझे बोला ना जिसने कंप्लीट किया वो पेपर सेंड कर सकता है। डिस्टर्ब होता है ना बाकी बच्चों को ऐसे। असलम चुलानी मज रोजे पानी डैश, मैं करूं सेंड पेपर। हाँ जिसने कंप्लीट किया वो पेपर सेंड कर सकता है। मैं करूं लीव, हाँ जो पेपर सेंड करेगा वो जा सकता है। कीजिए अब बाकी जल्दी से, जो आप कर रहे हैं पेपर खाली 3 मिनट्स बाकी है, कीजिए जल्दी जल्दी से। मैम मुझे पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, मुझे मोबाइल ठीक नहीं है इसलिए मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। तो करो ना जल्दी से पेपर, अगर कंप्लीट किया तो करो जल्दी से। मैम पीडीएफ बनानी है मैम। हाँ पीडीएफ बनाओ, अगर एक ही पेज पर है किसी का, एक ही पेज पर पहुंचा है तो आप फिर खाली पिक उठाओ तो उस पर नाम लिखना, अगर 2 पेज से 3 पेज से तो उसमें आप पीडीएफ बनाओगे, ठीक है? वरना अगर एक ही पेज पे है तो उसमें आप ऊपर लिखोगे खाली नेम रोल नंबर, तो फिर आप सेंड करोगे, ठीक है? मैम दूसरा वाला पार्ट पढ़िए। मैं लीव करूं, हाँ मैम दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा दूसरा? मैं करूं लीव, हाँ अगर पेपर सेंड किया तो करो। मैं
1 minute left. मैम दूसरा वाला पार्ट पढ़िए। कौन सा वाला दूसरा पार्ट? मैम मैं लीव करूं जाना जोवेद। हाँ अगर पेपर सेंड किया तो करो। कौन सा वाला साहिबा? किस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ना है? हाँ साहिबा। यस मैम। किस कौन सा पार्ट पढ़ना है? मैम पहले मैं पहले वाला मैंने लिखा तो दूसरा लिखा। मैम दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए। तू अंग्रेजी नाम लिखियो। चलिए ये मीटिंग अभी भी हो जाए एंड हो जाएगी ठीक है। इसका टाइम खत्म हो और आप लोगों का भी टाइम खत्म हो गया। जो आप विद इन 5 मिनट्स में पेपर सेंड करेगा तो उसका पेपर एक्सेप्ट होगा। फिर पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। आप लोगों का उतना पेपर नहीं था, उतना बड़ा, उतना टफ पेपर, इतना इजी, ये 10 मिनट का काम था। आप लोगों ने पढ़ा है ना ये सारा? थर्ड क्लास आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ये? मैं लीव करूं, मैंने किया पेपर पीडीएफ बना के सेंड। ये अभी जो बच्चे अभी कर रहे हैं ना वो जल्दी करेंगे क्योंकि फिर पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं ग्रुप की सेटिंग चेंज करूंगी, आप जल्दी से कीजिए। ओके करो सेंड पेपर तो फिर जाओ। सईद साबिर ने नहीं अभी पेपर किया? सईद साबिर मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, मैंने किया है। ओके करो जल्दी से। सिद्रा ने नहीं किया अभी पेपर? सिद्रा रोल नंबर 4, रोल नंबर 1 बरीना फयाज, आपने नहीं किया पेपर? मैंने किया, मैंने ग्रुप पे सेंड किया। मैं पीडीएफ बना रही हूँ, मैं कैमरा बंद करूँ? यस मैम मैंने किया। तो कीजिए जल्दी से सेंड। किया पेपर। अजहर शकील ने किया रोल नंबर 9, खुशबू जहरा रोल नंबर 21। मैं पीडीएफ बना रही हूँ। बनाओ जल्दी से। ओके बनाओ जल्दी जल्दी से। मीटिंग अभी ये लीव हो जाएगी, मेरा टाइम हुआ खत्म ठीक है। करो आप जल्द जल्द से सेंड ग्रुप में ठीक। ओके अल्लाह हाफिज। विद इन 5 मिनट्स सेंड करना ठीक है मैम। जल्दी करो। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। जल्दी से करना ठीक है। आप खाली कुछ बच्चों का है, आप लोग पीडीएफ बना रहे हो तो करो जल्दी से। वाला थवे पे पहुंच गए।